नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। जैसा कि मैंने देखा है अक्सर विद्यार्थियों की बहुत समस्या रहती है, चक्रवृद्धि ब्याज को करने में बहुत ही डरते हैं और उसको बहुत ही कठिन समझते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर इसको एक बार बाय कॉन्सेप्ट समझ लिया जाए इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मेरा वादा है अगर आप एक बार ध्यान से सुनेंगे बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप सुनने पर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर आप रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, चुटकी हो, उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, हम समझते हैं एक क्वेश्चन के द्वारा क्या है। हम देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में देखते हैं, जैसा कि क्वेश्चन है हमारे पास 25% की दर से। क्वेश्चन को समझते हुए 25% की दर से 3 वर्ष का 8,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। इसको करने के कई तरीके, लेकिन हम सबसे सरल तरीका देखते हैं। जैसा कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो 25% है, जो 25% है, इसको रेशियो में कन्वर्ट करने, अनुपात में बदलने। 25% को परसेंट जो है, परसेंट को जैसे हम हटाते हैं उसका अपन नहीं हटाते। ठीक है दोस्तों, 25% को हम काट लेंगे 25 से एक बार और ये 4 बार। कहने का मतलब ये है कि 8,000 रुपये की राशि का प्रत्येक वर्ष 1/4 हिस्सा है। ठीक है, अब हम सोचते हैं राशि हमारे पास 8,000 का पहले साल 1/4 हिस्सा निकालेंगे, मतलब 8,000 में 1/4 का जैसे इसको काटा तो याद रख 2,000, ये 2,000 आया है, ये साधारण ब्याज है। 2,000 पहले साल का साधारण ब्याज, 2,000 दूसरे साल का साधारण ब्याज, 2,000 तीसरे साल का साधारण ब्याज। ये तीनों समान क्यों है? क्योंकि साधारण ब्याज जो है वो प्रत्येक वर्ष समान होता है। सबसे पहले क्या किया, 1/4 हिस्सा निकाला, ये जो 2,000 आया ये प्रत्येक वर्ष समान हो सकता है। अब चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज, और वो भी पिछले वर्ष के ब्याज पर ब्याज। तो हम क्या करेंगे, हम इस 2,000 का 1/4 हिस्सा निकालेंगे। जैसे आप 2,000 का 1/4 हिस्सा निकालते हैं ये आता है 500 मतलब ब्याज पर, ये पिछले वर्ष का निकला। लेकिन जैसे हम तीसरे वर्ष पहुंचते हैं तो 2,000 का यहाँ तो निकलाएंगे ही, लेकिन अगले वर्ष में भी निकलेगा। 2,000 का इस वर्ष पास हो, 2,000 का अगले वर्ष पास, मेरे यहाँ तक। फिर ये वाला 2,000 इसका लगेगा अगले वर्ष के लिए, 2,000 का 1/4 पास। चक्रवृद्धि मतलब ब्याज पर ब्याज, ये जो ब्याज आया है इसका भी अगले वर्ष के लिए लगेगा। 500 का 1/4 हिस्सा निकालना हमने, ये आ गया 150। पहले 2,000 का 1/4, फिर 2,000 का 1/4, फिर 2,000 का 1/4, फिर ये पिछले वाले 500 का 1/4। पिछले जितने भी वर्ष हैं उनका आगे वाले वर्षों में कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने देखा, उन्होंने पूछा था चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब साधारण ब्याज और ब्याज पर ब्याज सभी को जोड़ दिया जाए। तो सभी को जैसे हमने जोड़ा तो हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज है वह 8,625 कितने वर्ष का, 3 वर्ष। और दूसरा उन्होंने पूछा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो साधारण ब्याज कितना था, 2,4 और 2,6। ठीक है, और ये ब्याज पर ब्याज, साधारण ब्याज में जब ब्याज पर ब्याज जोड़ते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज आता है। मतलब साधारण ब्याज ना जोड़ा जाए, इतना जो हिस्सा है ये 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, इसको जोड़ा हमने 1,600। एक बार फिर से सुनते हैं, पहले हम प्रतिशत को 1/4 में बदलते हैं, राशि का 1/4 हिस्सा निकाला, ये जो है ये साधारण ब्याज जो प्रत्येक वर्ष समान होगा। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब पिछले वर्ष के ब्याज पर ब्याज, तो यहाँ पर आए अगले वर्ष में भी पहुंचे, फिर इस 2,000 का निकालेंगे, फिर इस 500 का निकालेंगे। इन सभी को जैसे ही हम जोड़ते हैं तो वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, और साधारण ब्याज को छोड़ दो ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, एक बार इस वीडियो को जरूर देखेंगे ध्यान से। मेरी आपसे वादा है कि आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है,
प्लीज इसको सब्सक्राइब करते रहें और मेरा साथ देते रहें, मैं आपके लिए हमेशा साथ हूँ। टुगेदर हम जरूर सक्सेस होंगे। आप सभी को शुभकामनाएं।